हेलो डियर किड्स, वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस। एज यू ऑल नो, आवर फर्स्ट सेमेस्टर इज कंप्लीटेड, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर पल्स बुक सेमेस्टर 2। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट EVS चैप्टर नंबर 1, माय नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड बेटा, पड़ोस। सो Before starting this chapter, I will explain you what is neighborhood. Neighborhood क्या होता है? The area around a house is a neighborhood. जो area होता है हमारे घर के आसपास का, वो क्या होता है? Neighborhood. जो हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ें होती है, वो क्या होता है? हमारा neighborhood. जैसे आपके घर के पास में maybe school होगा, post office होगा, है ना? तो वो क्या है? हमारा neighborhood. इसके अलावा भी जो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? नेबर्स। क्या होते हैं वो? हमारे नेबर्स। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्रिटिक द थिंग्स दैट यू सी इन अ पार्क। जो चीज़ें हम अपने पार्क में देखते हैं, पार्क में देखते हो आप लोग, उस चीज़ पे हमें क्या करना है? टिक करना है। बेंच होता है पार्क में इस तरह का? यस। स्विंग भी होता है? सोफा होता है? नो। दिस स्विंग इज ऑल्सो इन पार्क ना, सो वी विल टिक ऑन स्विंग and cross on sofa and also tick on this thing and bench also. Okay, let's start reading. Hello, I am Pari. Aziz, Sard, Paul and Vani are my friends. क्या कह रही है ये girl? कि मैं परी हूँ और मेरे friends कौन है? Aziz, Sard, Paul and Vani, ये सारे मेरे क्या हैं? Friends हैं। Our houses are close to one another. हमारे जो घर हैं, हाउस मीन्स क्या होता है? घर। एक दूसरे के कैसे हैं? क्लोज हैं, मतलब पास हैं। We are neighbors. तो हम जो आसपास में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? Neighbors, मतलब पड़ोसी कहलाते हैं। We are neighbors, हम पड़ोसी हैं। This is a park near my house. Look at this picture. This is a park. क्या कह रही है वो? देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस। मेरे घर के पास क्या है? एक, माई मीन्स मेरा घर के पास एक पार्क है। वी लाइक टू प्ले इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना अच्छा लगता है। प्ले मीन्स खेलना, है ना? लाइक मीन्स पसंद करना, अच्छा लगना। तो क्या कह रही है कि वी लाइक टू प्ले इन द पार्क, हमें पार्क में खेलना अच्छा लगता है। लेट स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 147। Places near my house make my neighborhood. क्या कह रहे हैं कि places means क्या होते हैं? जगह। near means पास। my house मेरे घर के पास, है ना? make my neighborhood, ये सारी चीज़ें जो हमारे घर के पास होती है, वो क्या बनाती हैं? हमारा neighborhood बनाती हैं, मतलब पड़ोस बनाती हैं। let me show you some more places in my neighborhood. आइए आपको वो क्या दिखा रही है परी, कि आओ आपको मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ कि और क्या क्या places हैं मेरे घर के पास। look at first picture, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको इसमें? yes, post office. what is this? this is a picture of a post office. carry grandpa बाय स्टैम्प फ्रॉम हेयर। क्या करते हैं? ग्रैंडपा मीन्स दादाजी, यहाँ सर यहाँ से स्टैम्प बाय करते हैं। बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। दादाजी यहाँ से क्या खरीदते हैं? स्टैम्प खरीदते हैं। नाउ लुक एट सेकेंड पिक्चर। यस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्कूल, है ना? माई फ्रेंड्स एंड आई स्टडी हेयर। परी कह रही है कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, पुलिस स्टेशन। किसकी पिक्चर है ये? पुलिस स्टेशन की। कह रहे मम्मी वर्क्स हेयर। क्या, कौन वर्क करता है यहाँ पर? मम्मी। किसकी मम्मी वर्क करती है यहाँ पर? परी की। परी की मम्मी कहाँ वर्क करती हैं? पुलिस स्टेशन में। मम्मी वर्क हेयर, मेरी मम्मी यहाँ काम करती हैं। शी हेल्प पीपल फाइंड लॉस्ट आइटम। वो क्या करती हैं? पीपल मीन्स लोगों की, हेल्प मीन्स सहायता करना, फाइंड मीन्स ढूंढने में, लॉस्ट मीन्स जो खोई हुई चीज़ें होती हैं उनको ढूंढने में मेरी मम्मी लोगों की हेल्प करती हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या करते हैं बेटा? जब हमें कभी चोट लग जाती है, है ना, या बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं ना। हाँ, क्यों जाते हैं? ताकि हम जल्दी से ठीक हो सकें, है ना? तो क्या कह रही है परी? पापा वर्क हेयर। परी के पापा कहाँ वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में। ओके,
पापा वर्क हियर, पापा कहाँ काम करते हैं, हॉस्पिटल में। ही ट्रीट्स सिक पीपल, वो क्या करते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक करते हैं। सिक मीन्स बीमार। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बस स्टॉप। करे अंकल वेट हेयर टू टेक अ बस टू हिज ऑफिस। बस स्टॉप पे क्या होता है बेटा, बसेज होती हैं, है ना। जब कभी हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम बस का यूज़ करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अंकल वेट हेयर टू टेक बस टू हिज ऑफिस। अंकल वेट मीन्स इंतज़ार करना। किसका इंतज़ार कर रहे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। Now look at this picture. This is a picture of a market, है ना। मार्केट में क्या करते हैं हम, क्या क्या मिलता है मार्केट में, सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। जो भी हमें नीड होती है उन चीज़ों को हम कहाँ से बाय करते हैं, मार्केट से। तो कह रहे हैं वी कम हेयर टू बाय वेजिटेबल एंड अदर थिंग्स। हम यहाँ से क्या करते हैं, वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें खरीदते हैं। ओके डियर, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू रीड दीज पेजेस 2 or 3 times एंड सेंड योर वीडियो रिकॉर्डिंग इन रिसीविंग ग्रुप। ओके, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।